تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، وعلى آله وأصحابه. कल भी इसका कुछ मजमून सुनाया था, लेकिन जो सुनाना था वो नहीं सुनाया था, जो सब सुनाया ये है मुख्तसर सा। दुआ कीजिए ये हम सब लोग लिए मुफीद, बसीरत अफरोज, सुलूक को आसान करने वाला बनाए इस मजमून को। अगर थारी रहमतुल्लाह अलैह ने सुलूक को बहुत खंगार के रख दिया है। हजरत हारी साहब ने फरमाया कि 100 साल पहले 100 साल बाद की खिदमत कर दिया अशरफ अली ने, बहुत ताजीबिला। तो उनकी तहरीरों को समझना, पेश नजर रखना हम सब लोग के इरादे में मुजद्दिद थे तरीके। मैंने एक दफे लिखा मारा थानी रहमतुल्लाह अलैह को किसी बात को मजमून में, हकीमुल उम्मत अशवरी तो माँ अबरा साहब ने उसकी सलाह किया कि मुजद्दुल मिल्लत लिखिए, हकीमुल उम्मत लिखे हम लोग, ये खास तौर से कहा। मैंने लिखा हकीमुल उम्मत माँ अशवरी था, तो फौरन कहा कि मुजद्दुल मिल्लत भी लिखा दीजिए, मुजद्दुल मिल्लत हकीमुल उम्मत माँ अबरा साहब ने हमारी। तो ऐसे लोगों की तहरीर को पेशे रखना मर्जी इलाही के मुताबिक, उसमें बरकत है इंशाल्लाह, सुलूक में आसानी होगी, बसीरत हासिल होगी इंशाल्लाह। फरमाते हैं हजरत मौलाना अखलाक हुसैन कासमी महासिने मुदेही कुरान में आरिफ बिल्ला सैयद मदीन रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत के ज़ेर उनवान लिखते हैं, हजरत मौलाना सैयद हुसैन मदनी ने मुरादाबाद जेल के अंदर दर्स कुरान का सिलसिला शुरू फरमाया था। मौलाना अखलाक का भी है बहुत जबरदस्त कुमो फसी है। हजरत मौलाना सैयद हुसैन मदनी ने मुरादाबाद जेल के अंदर दर्स कुरान का सिलसिला शुरू फरमाया था। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मजलिस में कलामुल्लाह के अल्फाज की रूहानी तासीर पर इजहार ख्याल फरमाते हुए कहा था, कुरान पाक के अल्फाज में बरकत नूरानियत तमाम हजरत महासैद ने मुरादाबाद जेल के अंदर दर्स कुरान का सिलसिला शुरू फरमाया था। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मजलिस में कलामुल्लाह के अल्फाज के रूहानी तासीर पर इजहार ख्याल फरमाते हुए कहा था, जो सुलूक कलामुल्लाह के जरिए हो वो कवी और पायदार होता है। जिक्रुल्लाह के भी हैं लेकिन कलामुल्लाह, कलामुल्लाह चूंकि कदीम है इस बिना पर उससे जो सुलूक तय करता है उसके अंदर कदामत और मजबूती होती है। इस वजह से तिलावत कलामुल्लाह का बहुत एहतमाम। मुजद्दिद साहब कहते हैं मनूतुल मकामिल्लाह, तमाम सालिकीन के दर्जात की बुनियाद कलामुल्लाह से मुतल्लिक है। मनूतुल मकामिल्लाह बहुत अच्छा हजरत फरमाते हैं, सही अल्फाज इस वजह आते हैं मनोतुन के कलाम अल्लाह, अल्लाह के कलाम, अल्लाह हम सबको तौफीक दे कलाम अल्लाह। मुजद्दिद साहब ने भी लिखा है, ख्वाजा मासूम ने भी लिखा है, सभी बुजुर्गों ने लिखा है कि कलाम अल्लाह की तिलावत को ला दो कलमे तैयबा, खुद अपनी जगह पर बहुत बड़ा जिक्र है, अफजल उस जिक्र
नहीं, उससे बढ़कर के कलाम लिखते हैं। जबकि मलक मुकर्रम और नबी मुरसल शफाअत से आजिज हो जाएगा काफिर, जो कलामुल्ला उठेगा उस वक्त शफाअत करेगा। कलामुल्लाह, अल्लाह ताला हम सब लोगों को कलामुल्लाह से मुनासिब करता है। हज़रत शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह असीर मालदा जब तशरीफ लाए, इस आजादी में कितना बड़ा दखल है, उलमा का हमारे कितना बड़ा दखल है इस मुल्क की आजादी में, है कि नहीं? असीर मालदा उनको कहते ही असीर मालदा, कैसी कैसी परेशानियां इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे उलमा ने बर्दाश्त की। मोहम्मदी यहाँ की जेल में भी थे बहुत दिनों तक, इलाहाबाद की जेल में भी मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह इलाहाबाद की जेल में भी थे, अरुण लोग खाना पहुंचाते थे, इस मुल्क की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया हमारे उलमा ने। अल्लाह ताला इन लोगों को कुछ मिले ना मिले अल्लाह जदा खैर देगा, अल्लाह ताला जदा खैर। कैसी मुसीबत है, कैसी मुशक्कत है, हम तो 2003 वगैरह में पढ़ते थे, उस जमाने में अंग्रेज आते थे सड़क से, सब भाग जाते हम लोग, सब कोई छताई करेंगे ताकि देखने में गिरफ्तार न हो जाए, औलाद मंदिर था, सब बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को उसकी जजा से दुनिया में भी और आखिरत में भी मुशर्रफ फरमाए। बरतानिया से आजादी मामूली बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उलमाए कराम और हजरात शरीकी थे, लेकिन चूंकि मोहम्मदी का जिक्र आया इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ की जेल में भी मोहम्मदी अल्हम्दुलिल्लाह रह चुके, खाना पहुंचाते थे, आलिम थे पहुंचाते थे। बहरहाल वो लिख रहे हैं जो सुलूक कलामुल्लाह के जरिए हो वो कवी और पायदार होता है, मगर देर से होता है। जो मजमू में हजरत से सुन चुका हूँ इस वजह से मैंने खास तौर से कलामुल्लाह से जो हाल पैदा होता है अगरचे देर में हाल होता है लेकिन देर तक रहता है, जिक्रुल्लाह से जल्द होता है लेकिन चला भी जाता है। इस बिना पर पहले जिक्रुल्लाह कराते हैं ताकि हाल पैदा हो जाए, ताकि कुरान के हाल से उसको बनाते आगे पहले जिक्र का तिलावत रोक देते हैं। बहुत से सूफिया ऐसे हुए तिलावत को रोक दिया, जिक्र सीख को जिक्र करने के बाद कुछ दिनों तक जब कल में सलाहियत पैदा होगी तब उन्होंने बुलाया कहा अब तिलावत कर सकते हो मुश्कात में है मिरकात में है। उसके बाद कुरान के उलूम मालूम मुनकशिफ हो गए, जिक्र से जब सलाहियत पैदा होगी कल में उसके बाद कुरान के उलूम मालूम सामने आ गए। सब अल्लामा इब्न तैमिया इब्न कय्यिम हमारे हजरात सब जिक्रुल्लाह के भी पाबंद और कलामुल्लाह के तिलावत के भी पाबंद। एक मंजिल तो पढ़ते ही थे हमारे हजरत रमजान वाले कितने पढ़ते कितने खत्म, कभी कभी फरमाते थे मुझसे कम जमान अजी हमने कल वाली मंजिल भी पढ़ लिया, एक मंजिल पढ़ते ही थोड़ा उलमा जो हमारे मशाइख एक मंजिल पढ़ते ही फरमाते थे कि कम हमने कल वाली मंजिल पढ़ लिया, और जिस दिन नहीं पढ़ पाते थे उस दिन खफगी खफगी हम तो समझ जाते थे मामूल में कुछ कमी रह गई इसकी बिना पर ही है, सब आदमी ज्यादा आ गया ये आ गया इसकी बिना पर मामूल जो था उसमें कुछ कमी आ इतने मामूल एक मंजिल पढ़ते ही थे। लोग समझते थे कि रक्षे टहलने के लिए जाते थे, टहलने के थोड़ी जाते थे वो तो पढ़ने के लिए जाते थे ताकि यहाँ लोग छोड़ेंगे नहीं, चले जाते थे सिविल लाइन जाते साहब जी साहब बड़े मुखलिस थे मुकर्रबीन में से रक्षे पे जाते मोटे मोटे थोड़े थे उस वक्त रक्षे जाते मामूली रक्षे चल के आते मालूम हुआ कि तिलावत कर लिया पहली बार फौर चले जाते फिर आने के बाद चाय पीते
हमारे बुजुर्गों ने मुजाहदात रियाजात किया, अल्लाह ताला ने उनको नवाज दिया। कुरान पाक से मोहब्बत ताल्लुक बहुत, तिलावत हकीकी के बहुत दिल दादा थे, हकीकी तिलावत। कहा देखो यूपी में 52 जिले हैं, उदाहरण 52 जिले याद है उनको, हर जिले के लिए एक आदमी तैयार है जो तिलावत हकीकी किया करे। हमारा भी नाम आया था उसमें, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया होगा नहीं किया, क्या हुआ बस तय हुआ। हर जिले के लिए एक आदमी होना चाहिए जो हकीकी तिलावत किया करे। यहाँ एक रस्मी तिलावत भी कितने हैं लोग करते, जो भी आलिम आता था, चाहे वहाँ आलिम यहाँ हों या कायते ये सब हो, तिलावत लफ्जी तिलावत से निकलिए, हकीकी तिलावत पैदा कीजिए। आखिर में यही मजमूनी था। बाबा मनोहर साहब कहते थे भाई इस वक्त तो हजरत माशा रसुल्ला साहब ये बुनियादी मजमून बयान कर रहे हैं। हजरत को मालूम हो गया कि उन्होंने ये कहा था, कहते बाबा मोहम्मद मजहब ने ये कहा, माँ बेमारी दरियाबादी आए, उनका तो मौजू ही था वह शरीफ की तफसीर, ये उनके सामने भी कहा कि तफसीर की तरह तवज्जो है लेकिन तिलावत की तरह तवज्जो नहीं। उन्होंने लिखा होता इस सिख में, लिखा भी इसको सिख में लिखा भी, या एक चौकी पर बैठे और उन्होंने तिलावत कलामुल्लाह पर कलाम किया, उनका तो मौजू ही यही था लेकिन तिलावत सभी जो भी आता था, आलिम यहाँ हो या माई साहब हो, उलमा मरजूल उलमा थे उस वक्त, माशा उस वक्त मरजूल उलमा थे, वहां देवबंद के उलमा से उर्दू हो चुके थे, उनको उस्ताद उर्दू हो चुके थे। तौर की अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम साहब मालूम है ताल्लुक पैदा कर लिया, सदर मदनी दारुल उनके उस्ताद भी थे, लेकिन ये निस्बत इसकी वजह से झुक गए। सफर बंद कर दिया था उन्होंने ताकि हो सकता है कि देवबंद के अलावा मैं मर जाऊं तो मदार कासमी से महरूम हो जाऊंगा, इस बिना पर अलावा सफर नहीं करते थे, लेकिन हजरत की वजह से सफर किया उन्होंने। ये बहुत बड़े फार्म है, मर जाते थे लेकिन आए, एक आधे रहे भी, 14 दिन रह जाए, हम लोग तो खिदमत ही में थे। बड़ी बात अल्लाह जमान उस्ताद मुकर्रम के सबको उस्ताद थे हजरत, हजरत के वो अल्लामा, लेकिन इस निस्बत के खातिर सफर किया उन्होंने। कहा मैं सफर बंद कर चुका था इसलिए कि हो सकता है कि दरमियान में मेरी कहीं वफात हो जाए और मैं मदार कासमी के दफन से महरूम न रह जाऊं, इस बार नियत भी ये थी। तहसील राय ये निस्बत वैसी अल्लाह के लिए सफर मामूली बात नहीं। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी इसकी लोग कदर नहीं करते। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी हज के लिए जा रहे थे, सब लिखा हुआ है मौलाना पढ़ा। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी हज के लिए जा रहे थे, उनके एक दोस्त ने कहा दिल्ली में कि तो हज के लिए जा रहे हो ठीक है, लेकिन आपको तलब है निस्बत नक्शबंदियां हासिल करने का, एक नक्शबंदी बुजुर्ग दिल्ली में आ गए हैं उनकी खिदमत में चले जाओ। ख्वाजा बाकुबिल्लाह गालिबन अफगानिस्तान से इसीलिए भेजे गए थे, उनके शेख ने ख्वाब देखा कि एक तूती है जो मेरी जबान से चूस रहा कोई चीज, उनके शेख ने कहा कि हिंदुस्तान का खास तूती चिड़िया जो है तूती हिंदुस्तान में है, इसमें तुम इस मुल्क से जाओ हिंदुस्तान। ख्वाजा बाकुबिल्लाह को तस्वीर आए दिल्ली में, वो हज करने जा रहे थे, किसी ने कहा भाई तुम बहुत मकसद नक्शबंदियों को हासिल करने की फिक्र रहे थे, एक नक्शबंदी बुजुर्ग आ गए ख्वाजा बाकुबिल्लाह तूती। जब मुजद्दिद सब गए वहां, कहा मैं तुम्हारे लिए भेजा गया हूँ उस मुल्क से इस मुल्क की तरफ, हज के लिए जा रहे थे दिल्ली, कहा इस वक्त हज मुलतवी कर लो, क्योंकि हज वो नफिल था और निस्बत अल्लाह का हासिल करना फर्ज है, फर्ज को करना, लेकिन कौन करता है मस्तूर है, न कोई बयान करता है न कोई जानता है, कोई निस्बत को हासिल अल्लाह से निस्बत फर्ज आयन है, जैसे नमाज फर्ज आयन है,
अल्लाह से ताल्लुक पैदा, माँ बाप से ताल्लुक तो जरूरी, बीवी बच्चों से ताल्लुक जरूरी, और खारी कुमारी से ताल्लुक जरूरी नहीं है। उसके लिए क्या कोशिश किया आपने, क्या कोशिश किया, क्या कोशिश किया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। मुझे जी साहब हज करने नहीं, इस पर खास तौर पर कर रहा हूँ, नफिल हज करते चले जा रहे हैं, और जो असल नस्बत खुदा से है उसकी तरफ से गफलत है, वहां जाकर के भी गफलत कुछ लेके आते हैं। मजा नहीं अब्राहम साहब कहते थे बहुत से हज करने वाले जद्दई में हज को रख देते हैं, बहुत से आके बम्बई में खत्म कर देते हैं। हज है, हज का मतलब तालू माला, काबा भी बह गए पढ़ने गया इश्क बुतों का, काबा भी गए पढ़ने गया इश्क बुतों का, और जमजम भी पिया पढ़ने बुझी आग जिगर की। जमजम पीने से तौहीद आना चाहिए, हज असवद के बोसत से तौहीद आना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत नस्बत, अल्लाह हम सब को इसकी तौहीद। मुझे जी साहब रह गए, नहीं गए हज करने, नहीं गए, खासतौर से बयान कर रहा हूँ कि हज के हज के लिए जा रहा हूँ, कुछ नहीं, क्या जाग करोगे, कुछ पैदा करोगे, हज तब जाओ तो वहां कुछ असर होगा, शायद तफरी हज नहीं है, खूब खाना पीना खूब रहता, खूब रहता। काबा भी गए, बहुत पढ़ते थे शेरवान साहब सुल्ला साहब, काबा भी गए पढ़ने गया इश्क बुतों का, और जमजम भी पिया पढ़ने बुझी आग जिगर की। अल्लाह हम सब है, मुझे भी साहब रहे, रुक गया हज करने के लिए नहीं बैठा, आप बैठिए, ये नस्बत आती थी, मैं आप ही के लिए भेजा गया हूँ। तूती हिंदुस्तान की चिड़िया है, उस मुल्क से कहा कि वहां जाओ, वहां एक तालीब है तुमसे फर्ज हासिल करेगा। चाचा मुजद्दी साहब रह गए, तीन दिन के अंदर मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया, तीन दिन के बाद कहा कि मेरे बीवी बच्चों पर आप तुम तवज्जो तवज्जो करो। चाचा मुजद्दी साहब से तवज्जो करा अपनी बीवी बच्चों पर, और उस तवज्जो का असर उन लोगों पर हुआ। अल्लाह इसी नस्बत मुजद्दी साहब आ गई थी, अपनी बीवी बच्चों खुद ही जब नस्बत हो गई, किसी ने कोई गया मुझे ख्वाजा बाकमिल्ला से बैठ होने के लिए, कहा मुजद्दी उसे थोड़े कहते अहमद से बैठ हो जा, अहमद नाम था अहमद, कहा अहमद से बैठ हो जा, कहा हजरत मैं आपसे बैठ होने के लिए आया, ख्वाजा बाकमिल्ला ने कहा मैं आपसे बैठ होने के लिए आया, कहा अहमद वो आफ्ताब है कि हमारे जैसे हजारों सितारे उसके अंदर गुम है। अबे पीर शेख अबे मुरीद के बारे में कह रहे हैं, अहमद व आफ्ताब है जिसके रोशनी में हमारे जैसे सितारे हजारों सितारे गुम। शेख पूरी तकमील कर लिया, अब उसके बाद कहा चंद 42 साल की उम्र में शादी निकाल हो गया, कहा अब मेरा काम हो गया, अब मेरे रवानी का वक्त हो गया, नस्बत दे के गए रवाना, वो मुझे दिल्ली सिलसिला चल रहा है ख्वाजा बाकमिल्ला की खबर तो दिल्ली में है, है ना, मैं गया हूँ ख्वाजा दिल्ली में, ख्वाजा गुलाम अली कितना बड़ा शख्स, आज तुर्की वगैरह की हुकूमत है ख्वाजा गुलाम अली के मुरीदीन चला रहे हैं, ख्वाजा गुलाम अली उनकी खिदमत में आए थे, आए थे वहां से जाकर के उस नस्बत को अब भी मौजूद है, वो सिलसिला नक्शबंदी अब भी मौजूद, वही ख्वाजा बाकमिल्ला उनका गुलाम अली का, सब जितने वहां के हैं सब उनसे मुरीद हैं, उसी सिलसिले के हैं। महाराज ये भी नस्बत है अल्लाह की, अल्लाह हम सबको इसे लगा दे। महाराज जो सुलूक कलामुल्लाह के जरिए हो वो कवि और पायदार होता है, मगर देर से होता है, और जिक्र के जरिए तबीयत जल्द मुतवज्जा हो जाती है, मगर वह इस कदर पायदार नहीं होती। ये हम सुने हजरत से, हमको शायद करने में आसानी ऐसी है कि कोई बात ऐसी नहीं जो सुने ना हो, क्योंकि 17 साल शब और रोज का साथ रहा होगा। अरे तहज्जुद को बुलाते थे हमेशा, ये मैंने एक बात सुनी थी, इस वजह से मुझे मैं कहा सुना दूं, कलामुल्लाह से
हाल पैदा देर में होता है लेकिन कभी होता जाता नहीं। इसमें सबसे हाल महमूद नमाज का हाल है, नमाज में जो हाल होता है वो पायदार हो जाए। अल्लाह हम सब लोग इसे नवाजे, जानते भी नहीं। चंद रसूम को रसूम ईशा है सियासत, इनके रसूम की कोई वक्त नहीं है। नस्बत है सूफिया गनीमत कुबरा, सूफिया की नस्बत गनीमत है। रसूम ईशा है सियासत, इनके रसूम की कोई वक्त नहीं है, वो नस्बत हासिल करो जिसकी तरह तवज्जो हम लोग बसाए। माँ मोहम्मद अहमद साहब थे अजीब और इन नस्बत के हाल, खुद अपने शेख के बारे में कहा। माँ बदर अली साहब थे, 114 साल की उम्र हुई होगी, बलकान के जंग में भी शरीक थे, बुखारी शरीफ याद थे उनको। मौला अली मैंने पूछा, मेरे सामने की बात है, माँ मोहम्मद अहमद साहब थे कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग थे, आपने उनसे क्या तर्क पैदा किया? मोहम्मद अली थे रायबरेली के थे, जामे अजहर के पारिक थे, बुखारी शरीफ याद थी, लेकिन मेरे सामने की बात है, मैं उसी गाड़ी पर बैठा था। वहां मोहम्मद अहमद से पूछा एक बात कि आपने शायरी कब से शुरू की कर दी, आपको उस्ताद कौन है? कहा मैं तो खामोश था, गूंगा था, अल्लाह ने जारी कर दिया, कोई उस्ताद नहीं मेरा। और फिर पूछा कि इतने बड़े बड़े लोग मौजूद थे, सब हजरत फरा फरा सभी मौजूद थे, आपने वहां रायबरेली के थे, वहां पर रायबरेली तो खुद फरमाते थे कि हमने मौलाना को बराबर अली वाले को माँ मोहम्मद अहमद साहब को ऐसे हमें बदर अली साहब को माँ मोहम्मद अहमद साहब को वजह से समझा, हमने जानते ही थे कि बहुत बड़े बुजुर्ग माँ मोहम्मद माँ बदर अली साहब। अल्लाह ताला ने हजरात को बहुत यही बात कर रहे थे अभी। हदा था कि गुल मत मार थानी एक अरीदे के जवाब में इशाद फरमाते हैं, यही है लिख रहे हैं बुजरान दीन का इशाद है तो रुकुल वसूल इल्लाह बे आदद अनफासिल खलाइक, बहुत मशहूर जुमला है। अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते लोगों की जितनी सांसें उतने हैं, अब कोई एक लिए समझता बस सब सब खराब, ये बुजरान दीन तो ये कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक तरफ गए बस सब गलत, सब बिदात, सब शिर्क, ये है तरकुल वसूल अल्लाह बे अदद अनफासिल खलाइक, यानी जिस कदर मखलूकात के सांस हैं खुदा ताला तक पहुंचे कि उतनी ही रास्ते हैं। असल मकसूद वसूल अल्लाह, असल मकसूद सैयदना रफाई फरमाते हैं कि सब लोग अपने आमाल को लेकर के खुदा के दरवाजे पर खड़े थे, कोई तिलावत कोई जिक्र कोई कुछ कोई कुछ, यह हकीर आजिजी लेकर के गया, सब दरवाजे पर रह गए, मैं आगे पहुंच गया आजिजी। अल अजज़ व फ़क़्री, अपने को कुछ न समझना, अल अजज़ आजिजी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल फ़क़्र नहीं है, अल अजज़ व फ़क़्री, फखरो फखरी अल फखरो गलत है ये, अल अजज़ व फखरी आजिज़ी मेरे लिए फख्र है, आजिज़ी जिसको इख्तियार नहीं किया जाता। बहुत लिखा उन्होंने कि सब लोग अपने आमाल को लेकर दरवाजों पर खड़े थे, सब दरवाजे पर खड़े रह गए, मैं आजिज़ी लेकर के अल्लाह के दरबार में पहुंच गया। आजिज़ी तो सब फैसला अब उसका सिद्दीक फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने दरबार में पहुंचने के लिए आजिजी को कहा है, अगर हुकूमत को कहते तो कहां से हम हुकूमत और मालदारी पाते? आजीज सब इख्तियार करता है, बादशाह भी आजीज इख्तियार कर सकता है, नबी जब आजीज इख्तियार कर सकता है। उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपने दरबार में आने के लिए आजिजी को कहा अपनी कमतरी, ये सलूक मरा ठीक। अल्लाह हम सब लोग इसके पाबंद हैं, मुझे तरीक बदल नहीं सकता, तरीक यही आज ही रहेगा, तरीक तकबुर तरीक नहीं होगा। पगड़ी बांधो कोई है, क्या है कुछ हासिल करो,
अपने को झुकाओ खुदा के सामने, कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी। वहां बदयाली साहब देवन फारिग थे, कहा कहो बतलाओ अहमद जैसा किसी ने अपने को मिटाया है, अपने उनके शेख उनकी तारीफ करते थे। तमाम मोहम्मद अहमद साहब से पूछा महाली मियाँ ने, ये सब इतने बड़े लोग थे आप, बदली साहब से क्या ताल्लुक पैदा करिए? क्या हमारा ने बड़ी उमदा बात कही, नस्बत मल्लाह के अजीम नस्बत के हामिल थे, अजीम नस्बत के हामिल थे, लेकिन हमने नस्बत की बिना पर उनको इख्तियार किया। महाली मियाँ ने जवाब दिया वहां से मोहम्मद अहमद ने, अजीम नस्बत के हामिल थे। और दूसरी बात क्या फरमाई, दूसरी बात मुनासिबत, हमको मुनासिबत उनसे होगी, चाहे छोटी ही हो मुनासिबत है उसी पर पहुंचेगा। मेरे सामने की बात है, हम लोग जा रहे थे रावरी से कहीं एक चिंदुआ कौन जगह, अल्लाह ताला उन्हें महाली मियाँ को हर स्थानीय खिदमत में गए थे। माँ मोहम्मद अहमद साहब रहे भी, कोई ताल्लुक मोहम्मद अली साहब से जामे अजहर के पारी हदीस बुखारी से याद की जबानी करामा की थी। अपने सिधौरा में थे, हजरत पैदल ही जाते थे वहां, रास्ते पर दो सांप लड़ रहे थे, हजरत कटा के पहुंच गए। अब वो दरवाजे पर खड़े थे अपने, ये उनकी करामत, वो इस मंदिर को देख रहे थे अपने वतन में, है दिखा हुआ सब, वो तो बयान ही करते खड़े थे, लकड़ी लेकर के, लकड़ी छड़ी लेकर के खड़े थे लाठी, वह लकड़ी अब भी मौजूद है क्या वहां, क्या है मौजूद सरकारी मुशाक साहब के पास लकड़ी, कहा अहमद अजी कोई लकड़ी कोई लेके चला करो, दरमियान में कोई सांपों पड़ जाए, चली करामत हुई नहीं, कष्ट हो गया कि रास्ते में दो सांप लड़ रहे थे तो मौलाना कतर के पहुंच गए वहां, लेकिन वो छड़ी लेकर के अपने दरवाजे में खड़े थे लाठी लेकर, लाठी कहा अहमद अजी रास्ते चले तो कोई लाठी थी छड़ी लेकर चला करो, कोई दरमियान में सांप वगैरह पड़ जाए, चली करामत साहब करामत। मौलाना मौजूद थे, मैंने कहा हजरत आज हम जाएंगे घर, बाबा अली साहब से कहा उन्होंने कि हम घर जाएंगे, अब जाएंगे ना आज घर जा रहे हैं, अरे यहाँ अभी रुक जाओ, उन्होंने कहा कि अभी रुको, असर बार निकले टहलने के लिए दोनों मुरीद और शेख, 110 साल की उम्र उनका इंतकाल हुआ है। तो देखा एक बैग कि दरमियान में दो अबू दाऊद की शरह, अबू दाऊद का नुस्खा सीधे जा रहे थे, मौलाना भी वो भी टहलने के लिए निकले, तो देखा अबू दाऊद शरीफ का रखी किताब है, अबू दाऊद शरीफ दो नुस्खे मौजूद हैं। अली अहमद लाहौर में छपी थी मुझे मालूम हुआ, तो तुम्हारे भाई को भेजा था मैंने, कीमत दे, ये भी कहा कीमत दे के तुम्हारे भाई किसको, भाई जिन, तुम्हारे भाई जिन को मैंने कीमत दे के भेजा था कि लखनऊ से तुम, अरे वहां तिलावत ले आओ, वो देखो ले आया है, एक तुम ले लो एक मैं अपने पास रखूंगा, वो अबू दाऊद से मौजूद है अभी, ये करामत, करामत भी कभी बता देना चाहिए ना, बुजुर्गों की करामत। ये वाक्य खुद मौलाना बयान फरमाते थे, लेकिन बहुत इबरत की है। एक शख्स आया नाबीना था, माँ बदा अली साहब ने दुआ किया यार ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। तो एक उस नाबीना का जो बीना हो गया था उसका कोई आदमी था रिश्तेदार या कोई साथी, वो माँ बदा अली साहब के आया, वो करीब हो गया बहुत, वो नहीं चाहता था कि करीब हो ये नाबीना, बातिन के दबा नाबीना ही था भी वो, कहा हजरत ये हमारा दुश्मन है, इससे आप ताल्लुक ज्यादा न रखिए, ताल्लुक न रखिए,
कहा नहीं भाई हम फकीर आदमी हैं, हमारे पास जो भी आएगा उससे हम मिले जुलेंगे। उन्होंने कहा वहाँ बजे नहीं जाएगा वो फकीर, हम तो फकीर आदमी हैं। जो कहा अच्छा अगर आप उसे तवज्जो रखिएगा तो हमारी तवज्जो आपकी तरफ नहीं रह जाएगी, कहा फिर मेरी भी नहीं रहेगी। उसे नाबीना हो गया वो, मैंने खुद सुना था उसी बंद नाबीना हो गया वो। कुछ कहा मैं ब्याह कर ठीक है ना, ये कभी नहीं ब्याह कर जिंदगी में सुना भी नहीं होगा, आपने भी नहीं सुना नहीं मालूम, खुद हजरत से हमने सुना। वो अच्छा हो गया था, नाबीना था बिना हो गया था, वहां बदर अली साहब की दुआ से। अब हर आदमी कुछ दोस्त दुश्मन होते हैं, अब बुजुर्गों के ये सब थोड़े की चलता है। कहा हजरत उसकी तरह आप तवज्जो न रखिए क्योंकि हमारा दुश्मन है। कहा नहीं भाई हम फकीर आदमी, हमारे पास हर किसी में लोग आते हैं, हम कैसे ये सब कर लेते हैं। कहा फिर हमारी तवज्जो आपकी तरफ नहीं रह जाएगी, कहा हमारी भी तवज्जो नहीं रह जाएगी, उसी वक्त नाबीना हो गया वो। ये कहा जिस कदर मखलूकात के सांस हैं खुदा ताला तक पहुंचने के उतने ही रास्ते हैं, और असल मकसूद वसूल अल्लाह, बस ये है बात हानी का तरीक। सब इस सब तरीक है, हालात कैफियात सब तरीक है। बहुत से लोगों को हालात कैफियात मिल भी जाते हैं लेकिन अल्लाह तक नहीं पहुंचते। करामात भी गैर है खुदा, खुदा गैर खुदा, खुदा नहीं है। करामात मिल भी जाए असल चीज सख्त खुश मस्ती, कभी इनको मुतवजा कर देता हूँ, खुश सख्त खुश मस्ती वाले ए बुल हसन बार ए राहत ता बिना सुदन। बहुत अच्छा है बार ए राहत ता बिना सुदन, यानी जोफी निस्बत माल हक माल खल्क व कुवत निस्बत माल खालिक, हाँ किसी तरह से हो हासिल करो। मैं इसी पर सुना रहा हूँ कि जोफे देखिए ये नहीं कहते निस्बत माल खल खत्म करो, जोफे निस्बत माल खल मखलूक के साथ निस्बत रखो लेकिन कमजोर रखो, और अल्लाह के साथ निस्बत कभी रखो, बस यही फर्क। निस्बत रखने से मना नहीं है, मखलूक मखलूक है और खालिक खालिक है। माँ बाप और है, भाई बहन और है, फर्क है कि नहीं? माँ बाप ज्यादा होता है इंसानियत के, ज्यादा हकदार पहले माँ बाप है। अल्लाह इबादत के ज्यादा मुसई कौन है? अल्लाह है। और खिदमत के ज्यादा मुसई मखलूक में माँ बाप वाले दिन है। यानी जो फिर निस्बत माल, इसीलिए मैं सुना रहा हूँ ये लफ्ज मैंने कभी नहीं सुना था, जो फिर निस्बत माल खल्क और कुवत निस्बत माल खालिक, ये तरीका हासिल है कि मखलूक से ताल्लुक रखो लेकिन खालिक की निस्बत के बराबर नहीं। फरमाते दादा हमारे कि ये है नीचे ये ऊपर, अल्लाह के ताल्लुक को यूं रखो और मखलूक के ताल्लुक को यूं रखो। फरमाते थे अपनी बिरादरी के लोग समझाते थे। तरीक और अमल खालिक किसी तरह से हो, पर जिस तरह औराद और नवाफिर की कसरत उसका एक रास्ता है, इसी तरह मर्द और हुज्न और इनकबास और जिक्र कल्ब और तासुफ और नदामत खजरत इनके सारी भी एक रास्ता है अल्लाह तक पहुंचने का। तीन नवाफिर नहीं, मुझे जिस साहब को जेल में भेजा गया है, मैं अगर मैं जेल में ना आता तो ये हालात मेरे ना होते, बाहर अगर रहता तो अल्लाह ने इस जेल के अंदर मुझको क्या क्या चीज मुनकशी फरमाई, उल्फत से रास्ता खुलता है। कितना ये लफ्ज ही हमने नहीं सुना, कल यही सुनाना था। पर जिस तरह औराद और नवाफिर की कसरत इसका एक रास्ता है, उसे मर्द सबसे ज्यादा हुज़्न से रास्ता तय होता है अल्लाह के कुर्ब के लिए। सबसे अहम हुज़्न है, हुज़्न होगा याद नहीं आ रहा है। इसी तरह मर्द और हुज़्न और इनके बाद किसी से कभी दिली है मजबूर है कुछ सख्त बात कर दिया है, और जी के कल्ब में तंगी है किसी बिना पर,
और तासुफ और निदामत है, अफसोस है, खजलत और इंकसारी है। ये भी एक रास्ता है अल्लाह तक पहुंचने का, जिसका नवाफिल और तिलावत और जिक्र है। उसी तरीके कल में इनकबान, जी तंगी किसी वजह से हो, ये भी अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता है। या आहद मल्ला आहद न हो, हुजूर पे कैफियत हुई तब तो ये फरमा रहे हैं, या आहद मल्ला आहद न हो, या सनद मल्ला सनद न हो, इन कतर रजा इल्ला मिनका। ये अल्लाह जिसके कोई नहीं उसके आप है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये तरीक मौलाना तरीक है, जिस तरह औराद और नवाफिर की कसरत उसका अल्लाह तक पहुंचने का एक रास्ता है। इसे मर्द और हुज़्न और इसके बाद और जिक्र कल्ब और तासुफ और निदामत, खिजरत और इनके सारी भी एक रास्ता, बल्कि अकरब रास्ता है। जिस तरह लिखा है कि नहीं माना तो तरीक है, हजरत थाली ही नहीं। आज तरीक की वजाहत सब वजाहत लिखे भेज देते हैं, ये करो झुकाओ अपने को, नेस्ती बहुदी कबरबला नेस्ती नेस्ती अख्तियार करो। अल्लाह सैयद सलमान नदवी ने पूछा हजरत थाली से, हमको कोई वसीयत कीजिए नसीहत माँ थाली। क्या आप तो खुद अल्लामा हैं, मैं आपको क्या नसीहत करूँ, मगर अपने बुजुर्गों से जो सुना है वो बताता हूँ कि जहाँ तक हो सके अपने को झुकाइए। सैयद सलमान नदवी को हजरत थानवी ने रुजू किया था, आप तो खुद आलिम फाजिल हैं, मैं आपको क्या नसीहत करूँ, मगर अल्लामा है जहाँ तक हो सके अपने को झुकाए। इसका इतना असर हुआ कि वहां से लेकर के यहाँ तक रोते ही हुए आए हजरत सलमान नदवी। तरह बहुत काम किया उन्होंने, किताब जो लिखी यूं भी तरीके भी बहुत काम किया है सैयद सलमान ने। दर तरीकत हर चे पेश आए खैर उस बर सराते मुस्तकी मैं दिल कसे गुमराह, अल्लाह के रास्ते पर रहो पहुंच जाओगे, किबर न करो, उजुम में आओ रिया में ना आओ, सीधे सारी जिंदगी गुजारो और सीधे रास्ते पर चले चलो। यह है तरीक। अलबत्ता नफ्स यूं चाहता है कि मुझको जिक्र और शगर का समरा आजिल दुनिया में मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, पर ऐ दिल कोई गुमराह नहीं। अलबत्ता नफ्स यूं चाहता है कि मुझको जिक्र और शगर का समरा आजिल यानी फौरन दुनिया मिल जाए, तो ये खताए अजीम है। जिक्र शगर किए यही मिल जाए खाने पीने के लिए, खाली करामत भी लोग चाहते हैं ताकि बुजुर्गी मशहूर हो जाए। इस रास्ते में बहुत चीजें सब मवाने हैं। असल मौका मुशाहदा समरा का आखरत है। समरा का मुशाहदा आखरत में होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ तो बस चले चलो। जिसने ये नुकता पुख्ता कर लिया उसको रजा व तफवीज की हलावत नसीब हो गई। इसे समझिए कि हमको अमल करना है, जजा अल्लाह देगा। ये तरीक हासिल तरीक है मौलाना, आप हजरात की बरकत से आज बयान किया था, कभी भी मैंने वादे नहीं किया, माथा ही कभी भी मैंने बयान किया। हजरत थानी पूरा कोई अच्छी चीज सुनिए, और जो इस नुकसान से गाफिल है उम्र भर तशवीश में रहेगा, अपने खाली मुजाहदे को लेगा देखेगा और खुदा पर नजर नहीं होगी तो तशवीश तो रहेगी। मखदूमा थावी लिख गए, जो कुछ मैंने लिखा है वो मुख्तसर है, यही सुनाना था मुझे। मखदूमा जो कुछ मैंने लिखा है मुख्तसर है, मगर बहुत जामे और तजर्बे की बात है, आप शक न लाइए। वसलाम जामे तरीक की पूरी जान अल्लाह ताला हम सब लोगों को तरीक को समझने की चलने की दुश्वार नहीं है, चले चलो जो कुछ हो चले चलो, लेकिन उस पर नजर न रखो, नजर अल्लाह की रहमत पर रखो। ये तरीका कौन है पूछ रहे हो, अल्लाह ताला अब भी देखिए इतने तालिबीन है रोज ही आते जाते रहते हैं, ये सिर्फ अल्लाह इसकी बरकत है। सही तरीक थानी का है।
अब भी सिलसिला चल रहा है उनका। हम लोगों को भी धर्मी कहते हैं। मैं तो मैंने 29 साल रहा मैं वहाँ, लेकिन वहाँ यही कहते हैं भाई हमारा धर्मी है, मामला की सफाई अखलाक के बतकद्दू मैंने रखा भी जानते ही है, कुछ नहीं जो है उसका है, न कभी कोई तमाम न लालच न मुतालबा उठा तो दूर दूर की चीज़ है अल्लाह का, इसी हाल में गुजार दिया अल्लाह ताला। हम सब लोगों को ये भी दावा नहीं है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इखलास के नमर से नवाले और तरीक पर चलना आसान, पहले समझा दे तरीक को और तरीक पर चलना आसान बना दे। ये बहुत आपदा तस्वीर लाए बातें बयान की, बयान करते ही रहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा खुलासा, खुद हजरत ने लिखा खुलासा तो मैंने किया, तो मैं भी कहता हूँ कि जितना आप तो बयान किया उसका खुलासा ये है। अरे ये तस्वीर की राह हमारे उसमें कुतुब खाने में थी, एक आदमी इसको लेके जा रहा था, वही वकील है जो देता है वो, बोला ये किताब कौन भाई इसको लीजिए, ये सब हम नहीं समझ पाएंगे, हमने देखा भी था इसको कभी, अल्लाह ने उसको हाथ से दिला दिया किताब, बिल्कुल पूरे माथानी के जो उलूम है सब का निचोड़ कर दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। इसको एक अक्स कराई लीजिए, माया रुपया मिल लगे कोई बात नहीं, इसके अक्स करा लीजिए ताकि रहे तो बहुत अच्छी अल्लाह ताला हम सब लोगों को बार बार तशरीफ लाते हैं उसकी बरकत से। अल्लामा शाला ने बहुत उन्होंने लिखा कि तुम लोग आओगे तब तो हम बयान करेंगे, तुम लोग हमारे खेत हो हम बीज हैं, बीज के लिए खेत की जरूरत है, जैसे खेत के लिए बीज की जरूरत है, बीज के लिए भी खेत की जरूरत है, खेत रहेंगे तब तो वो आप हजरात हमारे खेत हैं, वरना हम कहाँ बयान करते हैं, लोग रहते तब तो बयान करते हैं। दुआ कीजिए हम सब लोगों को ये शौक बनाए तरीक का शौक, इससे बढ़ कोई तारीख नहीं है जो हजरत थानवी ने पेश किया है। अगर हाई साहब खुद कहा 100 साल तक की जरूरत नहीं है, देख लेंगे कहीं दिख दिए देख लीजिए इसमें 100 साल तक की जरूरत नहीं, तारीख को वादे कर दिया है अल्लाह ताला हजरत थानवी को जलाए खैर, कभी वसूल के साथ रहे, हदिया में भी वसूल के साथ, उस जमाने में 300-400 रुपये तनख्वाह लोगों को होती थी, तो कहते थे हदिया तुम दे सकते हो महीने के एक दिन की तनख्वाह 10 रुपया, और महीने में 2 मरतबा तो नहीं एक मरतबा, और वो भी शराब के साथ इतना रखा, जबकि मखरूज भी हो जाते थे, अपने बीवी का कर भेज देते थे, फिर लेते थे, फिर कहते हम दे देंगे जिंदगी भर न कोई कनायत का आदि नहीं कर रहा, हदिया आता था क्योंकि कॉपी था ना डाकिया ले आता था, कहा कि हजरत ये 5 रुपये 10 रुपये भेज रहा हूँ, ये आपको जरूरत हो तो आप खर्च करिए अपनी जरूरत में, और नहीं तो मदरसे को खर्च दे दिए मदरसे को। तो कहा जब मैंने मदरसे को देना चाहते कोई कह सकता है थानवी कर मदरसे को देना चाह तो ख्याल में तुम भूख की जरूरत है ले लो तुम ही ले लो, जब खुद लेना चाहा था भाई मजा से तालिब इल्म उनको दे दो, बस लिखा तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ है वापस, तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश वापस, इस तरह जिंदगी गुजारा कुछ नहीं एक पैसा भी है, तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ, दोबारे में कितनी कंपनियां फैक्ट्रियां सब कुछ बस उसी पर आ गए, कर्ज लेते थे कर्ज नहीं वहाँ वसूल्ला देखो वसूल्ला ये हमारे तरीक के खिलाफ आया, इसमें से मैं इसको वापस करता हूँ, खुदा ने चाहा तो यही हदिया वापस आएगा वसूल के मुताबिक या कोई दूसरा आ जाएगा माशा वसूल्ला साहब, जब आ जाता तो बड़ा वसूल्ला देखो आ गया, अजीब तरीक पेश किया उन्होंने सगना का तवक्कुल का, खाली वदायब का नहीं तरीक
ये अखलाकियात को पेश किया है। दर्द ज़ेह के लिए कोई तावीज किया जाता था 12 बजे, फौर उठते थे, वजू करते थे 1 बजे। उसूर कवाल लोग समझते हैं कितने से, तो हमारे ने फरमाया कि ये 1 बजे रात में दर्द ज़ेह आ रहा है, तो फौरन से कहा कि अब दर्द ज़ेह में कहा है कि 12 बजे दिन में होगा, अभी रात में होता तो तावीज तो उस वक्त जरूरत है, उस वक्त आएगा, उसमें कोई कानून नहीं था, कोई कानून नहीं, जब भी जरूरत हो आओ हम देंगे तावीज, किसी पर कोई किसी सुना भी नहीं होगा, थानवी लोगों से भी नहीं सुना होगा, खाली यही है कि ये किया, ये किया, वो भगाया, यही जो अपने लोगों को भी नहीं जानते वहां थानवी फरमाते थे हमारे हजरत, हजरत थानवी के जाब्ते को लोगों ने देखा, ये राब्ते को नहीं देखा, ये राब्ता था, 1 बजे रात में दर्द देने के लिए आता है मुलाजत के लिए, उठते थे वजू करते, हजरत कहते वजू करते थे, लिखते थे, क्योंकि उसमें आयत लिखी जाती है, तो आयत लिखने के लिए वजू की जरूरत है, वजू भी करते थे। इस तरह अल्लाह ताला ने काम लिया है थानवी से, बड़ा दुआ कीजिए, हम लोग उन्हीं से मुंसलिक हैं, अल्लाह ताला उनकी निस्बत से, उनके उलूम से, उनके मारिफ से निस्बत हम लोगों को हिस्सा अदा फरमाए, उनके साथ मशहूर फरमाए, हम सबको दुआ की अल्लाह 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 अपने फजल करम से बुजुर्गों के फजूल बरकात से माला माल फरमाए, हकीम उम्मत मुस्लिम उम्मत और हमारे बुजुर्गान दीन खुलफा हर सिलसिले में माशाअल्लाह साहब नस्बत लोग हैं, साहब मार्फत हैं, सबके फजूल बरकात से हम सब लोगों को माला माल फरमाए और तरीक पर चलना हम सब लोग आसान फरमा दे, अपनी मोहब्बत से नस्बत और कुर्ब कबूल से मुशर्रफ फरमाइए बना, और हम लोगों के आने जाने को जमा होने को अल्लाह के लिए जमा होना है, अपनी इसलाह के लिए जमा होना है, कोई गलत दुनियावी यहाँ नहीं है, न सियासी न दुनियावी नहीं, कोई भी नहीं, ये सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए और नजर बस से बचाए, बना तकम्बल मिन्ना है निकाल तस्वीर अली बेहमत किया।